नौकरी नहीं देता है। नौकरी नहीं देता नहीं, तब क्यों आए उसके साथ? बहुत क्यों आए साथ में? हम लोग तो सर के कह नाम पे आए हैं। हम लोग सपोर्ट करने विरोध करने के लिए विरोध करने पहुंच गए। बिल्कुल, हम लोग को रोजगार को लेकर विरोध प्रदर्शन क्या चाहिए? हम लोग को रोजगार चाहिए। जेपी नड्डा आएंगे तो क्या बोलेंगे उनसे? पहुंच तो नहीं पाएंगे आप? पहुंच तो पाएंगे, जरूर बोलेंगे। पहुंचेंगे तो जॉब रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए जी, रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए युवा के लिए। और बहुत बेरोजगारी है देश में। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, जेपी नड्डा बस पहुंच ही गए हैं पटना और हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि कुछ बोलना चाह रहे हैं। खुश नहीं है क्या? खुश तो है पर वो सुविधा नहीं मिला हमें। क्या सुविधा चाहिए? कुछ मतलब सुबह से आए हैं, पानी वगैरह कुछ कहाँ? हम लोग खुद से आए हैं, कुछ के रोजगार मिला जिसके लिए आए हैं? नहीं, रोजगार तो अभी फिलहाल कहाँ मिला, अभी तो नहीं। जिसके लिए आए हैं वो रोजगार दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग को दे पाए हैं। हम लोग यहाँ क्यों आए? सपोर्ट करने। हम लोग सपोर्ट करने, विरोध करने के लिए। विरोध करने पहुंच गए? बिल्कुल, हम लोग को रोजगार को लेकर विरोध प्रदर्शन। क्या चाहिए? हम लोग को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। हम लोग कम रोजगार चाहिए। कहाँ से आए हैं? हम लोग असियाना से हैं। असियाना दीघा से? कहाँ से आए हैं? दीघा से भैया। क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार मिला नहीं? नहीं मिला। तब सपोर्ट करने क्यों आए? सपोर्ट का विरोध करने आए भैया। विरोध करने गए? जो हम लोग हर साल आर्मी में वैकेंसी आती थी वो अभी वैकेंसी को कैंसिल करके अग्निवीर में प्रदर्शन कर दिया गया। अग्निवीर के कारण हमारा जो भी प्रोटेस्ट हुआ, जिसके कारण हम लोग का जो हर साल आना चाहिए वैकेंसी रोक दिया गया है, उसको हम लोग जो सपोर्ट करने आए हैं वही निराश हैं। आप बताइए आप क्यों आए? हम ये बेरोजगार वगैरह सब नहीं है, वही चाहिए था और क्या। रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं है। अभी निकला आर्मी वाला, वो सबका फॉर्म फिलअप हो गया था, जैसे कि वो सब कुछ मेडिकल टेस्ट होने वाला था, फिर वो कैंसिल हो गया। इससे पहले हम लोग फॉर्म रोक दिया गया, हम लोग का वैकेंसी, उससे हमारा कितना आर्थिक बच्चों का भविष्य का डेट आया है वो बहुत कम है डेट, मतलब हम लोग बहुत लोग नहीं भर पाए हैं। सर्वर इशू था। सर्वर इशू था? जी जी। तो 40 साल मिलेगा? हाँ, तो क्या करेंगे अब? 40 साल करेंगे? 40 साल करेंगे तो क्या कर सकते? नरेंद्र मोदी के देखिए, जेपी नड्डा आएंगे तो क्या बोलेंगे उनसे? पहुंच तो नहीं पाएंगे आप? पहुंच तो पाएंगे, जरूर बोलेंगे। पहुंचेंगे तो क्या बोलेंगे? पहुंच तो पहले जाए। क्या युवा को चाहिए? क्या जॉब? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए जी, रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए युवा के लिए। और बहुत बेरोजगारी है देश में। जो हमारा एक वैकेंसी होता है, जैसे रेलवे का जो आती है, जो 2018 में आया है, 18 के बाद हमारा फिर अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया क्लियर ग्रुप डी का अभी तक, उसको हमारा सिस्टमेटिक एग्जाम लेना चाहिए। कहता है कि मोदी जी कुछ देते ही नहीं है। कहाँ मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है, दे रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है, कि सबको मिल रहा है, नहीं दे रहा है। मोदी जी कुछ नहीं देते हैं क्या? देते हैं जी। क्या देते हैं? बच्चों का कम्प्लेन है कि रोजगारें नहीं मिलता है। बहुत सारा काम दिए दिए हम लोग आ तो गए हैं, सुबह से 6 बजे से आए हुए हैं और अभी तक सपोर्ट करने आए हैं तो विरोध क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट तो करते हैं लेकिन भाजपा सरकार जो है ना, वो जो है ना कार्य नहीं करता है। क्या नहीं करता है? क्या कहा जाए उसको, जो क्या नहीं देता है? नौकरी नहीं देता है। नौकरी नहीं देता है? नहीं। तब क्यों आए उसके साथ? बहुत क्यों आए साथ में? हम लोग तो सर के का नाम पे आए हैं। सर के नाम पे मजबूरी में आए? मजबूरी में आए, के वाईपी सेंटर की तरफ से आए, मजबूरी में आए। हाँ, तो रोजगार चाहिए आप? हाँ जी। क्या चाहिए रोजगार में? हर युवा रोजगार, हर युवा को रोजगार ही चाहिए और कुछ नहीं, बस रोजगार चाहिए। रोजगार आएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए देखिए, जेपी नड्डा आने वाले हैं और युवा जो हैं वो बहुत ज्यादा नाराज है, साफ कह रहे हैं कि ये सबसे कुछ नहीं होगा, हमको रोजगार चाहिए। इतना पैसा खर्च कर दिए, क्या खर्च कर दिए हम लोग? अच्छा, क्या हो जाता? अच्छा, रोजगार में ध्यान देते तो इससे ज्यादा बढ़िया हो जाता है। इसमें देखिए युवा का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।